सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम होती है। नंबर एक, एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो मैक्सिमम, जब आंसर की चेक करते हो आपके 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नंबर दो, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है। इस दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। रीजनिंग प्रीवियसर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रक्त संबंध बल रिलेशन के प्रीवियसर क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम में अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्लास आगामी शिफ्ट सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है। एक लड़का है जी राहुल, ये आपका राहुल है। राहुल की माँ ऊपर की पीढ़ी में आएगी, ये इसकी माँ है। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। बच्चों, राहुल की माँ है जो या इकलौती पुत्री है किसकी? बच्चों, मोनिका के पिता की। ये कोई पिता होगा, इसका मतलब इसकी माता का ही नाम क्या है? मोनिका। जब इकलौती है तो फिर तो वही होगी मोनिका। मोनिका का पति ये रहा यहाँ पर। क्या लगते हैं राहुल के क्या लगते हैं? पिता लगते हैं जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता तो क्या पूछ लिया जाता? मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, तो आपको राइट आंसर पिता लगाना। यदि पूछ लेते हैं कि मोनिका तो राहुल मोनिका के पति का क्या लगता है, तब बेटा पुत्र आंसर होता। क्लियर है जी? क्योंकि लास्ट में आकर गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन सोल्व सही कर लेते हो लेकिन आंसर भरते हुए आप गलत लाइन, लास्ट की लाइन को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह देखते हुए कि बी की माँ ए है। ये आपकी कोई बी है, मैं साथ के साथ बनाते हुए चलूंगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे हम। ये बी है, बी की माँ कोई है ए, ये आपकी अलग पीढ़ी है, ये अलग पीढ़ी है, ये सब अलग पीढ़ी आएगी। ठीक है जी। बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है। कोई ये सी है इसका बेटा जी? बी और सी एक पीढ़ी है, मतलब भाई बहन होंगे। ई का डी भाई है। चलो हमें पता नहीं कहाँ बनाना, ई और डी निचली साइड बना लेते हैं, हटाने पड़ सकते हैं यहाँ से। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है। अच्छा, बी की बेटी ये है ई, ये आपकी बी की बेटी ई होगी। चलो जी बताइए, जब भाई बी की बेटी ई है और आपका ई का भाई डी है, ये भाई है, तो इसका मतलब बी का लड़का ये है, लड़की है बी की। बताइए कि डी की दादी या नानी कौन है? भाई या इसकी मम्मी तो बी है और या इसकी नानी या ए है। ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस समझने का गेम है बच्चों सब कुछ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स और वाई दोनों जड़ के बच्चे हैं। ये आपका एक जड़ है, इसके दो बच्चे हैं, एक आपका एक्स एक आपका वाई। एक्स और वाई दोनों जड़ के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता हो, अच्छा जी जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो उसका मतलब वाई पुत्री होगी या आपका पुत्र होगा। तो वाई और जेड से क्या संबंध है? वाई और जेड का क्या संबंध है बताना है आपको। राइट आंसर होगा बेटा पुत्री होता था पिता। भाई पिता वो बेटा नहीं है तो फिर क्या होगी? बेटी होगी। पुत्री और पिता था पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहते हैं? एम इंटू एन का तात्पर्य है, जहाँ पर गुना का सिंबल लगा हुआ है बच्चों, गुना का मतलब है पुत्री, फिर एम प्लस एन का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? पिता। फिर इसके बाद एम भाग एन का तात्पर्य है माता, भाग का मतलब क्या है? माता। ठीक है जी। इसके बाद आपका माइनस का तात्पर्य भाई, भाई। क्लियर है जी? माइनस का तात्पर्य भाई। अब आपको ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना, देखो कम समय में इक्वेशन दी है आपको, या पी भाग क्यू प्लस आर माइनस टी इंटू के। क्लियर है जी? अब ये देखो, पहले कंडीशन क्या है? एम गुना एन,
का तात्पर्य एम पुत्री है एन की, एम प्लस एन, एम पिता है एन का, पहले वाला है वो जो भी है, जो भी रिलेशन दे रखा हो पहले वाले के साथ है। चलो देखते हैं क्या कहा है ना, पी भाग क्यू, पी जो है भाग कर अर्थ क्या था, माता, जो पी है वह माता है किसकी, क्यू की। फिर क्यू प्लस आर, प्लस का अर्थ क्या पिता, क्यू प्लस आर, क्यू जो है पिता है किसका, आर का, क्यू जो पिता है आर का। फिर इसके बाद आर माइनस टी, माइनस का मतलब है भाई, आर जो है भाई है किसका, टी का। चलो फिर टी गुना के, गुना करते पुत्र, जो टी है वो पुत्र है किसका, के का, टी है पुत्र है किसका, के का, किसका बेटा, माता पिता ही होंगे इसके दोनों। चलो कौन सा संबंध पी का के से के साथ इंगित करेगा, पी और के, पी आपका ये रहा, के आपका ये रहा, पी और के बोले तो यस की क्या लगी, सात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, रीटा की ओर इशारा करते हुए निकलने का, ये कोई फोटो है, ये रीटा है, इसकी ओर इशारा करा किसने कहा, निकलने, रीटा की ओर इशारा करते हुए निकलने का, उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, निकलने क्या कहा, रीटा की बात, इसकी माता, इसकी माता का पुत्र होगा, रीटा का भाई होगा, इसका मतलब का इकलौता पुत्र होगा, तो रीटा की निकल से क्या रिश्ता है, बुआ लगी, क्या लगी, बुआ ही तो लगी। क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुआ। देखो बताओ कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बी का भाई ए, एक बी है जी, बी बनाते हैं, ये आपका बी है, इसका भाई कोई है, ये ए है, बी का भाई ए, ये ए है, भाई को उसे चकोर में बंद करेंगे, जो बहन होगी उसे गोले में बंद करेंगे, बी का भाई ए, डी का पिता है, जो ए है ना ये डी का, बी का भाई ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है, अच्छा गलत हो रहा है, गलत पढ़ रहे हैं हम, देखिए दोबारा देखो, बी का भाई ए, बी का भाई ए बना दे जी, डी का पिता सी, डी बना देंगे कोई, डी का पिता सी, ठीक है जी, बी की माता ई, बी है इसकी माता ई, बी की माता, बी की माता ई, ई होगा ए और डी भाई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो क्या संबंध होगा बच्चों, पत्नी हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ये कोई सुरेश है, जैसे जैसे कहते हैं वैसे करते चलेंगे, सुरेश की कोई ये बहन है, ये राम की पत्नी है, चलो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम की जो है कोई बहन है या रानी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर, ये आपका इसके पिता है, कोई पैन चेंज करेंगे जिससे कि अलग दिखाई दे, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दाती है, वो या शीतल होगी ऊपर, ये इसकी मधुर की माता है शीतल, शीतल नाम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधु है, रीमा शीतल की पुत्र वधु, पुत्र इसका मतलब जो आपका ये है ना मधुर है, मधुर की पत्नी है शीतल, रीमा, अच्छा रीमा है, रीमा सॉरी शीतल नहीं, शीतल तो दादी थी, मधुर की पत्नी का नाम क्या होगा, रीमा, ये आपकी रीमा होगी, रीमा शीतल की पुत्र वधु है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी का भाई राम हुआ उसका पुत्र है रोहित, खत्म, मनगढ़ डायग्राम सही, रोहित रानी की के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है, भाई ये तो रोहित का पापा तो राम हुआ, ठीक है, राम की अब पत्नी हुई, और इसका पत्नी का भाई क्या लगा, मामा। क्वेश्चन नंबर सात का आपका राइट आंसर होगा, मामा भांजे का रिश्ता है, अब ये देखो कहा क्या है, रोहित सुरेश का, सुरेश का बोले तो भांजा, रोहित का सुरेश क्या लगे, मामा, तो क्या राइट आंसर आएगा बच्चों, क्या कहा है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, सुरेश का क्या लगा, भांजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, एक लड़की का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसके मामा का मामा
तथा मेरे मामा परस्पर भाई है। ये लड़का है कोई, ये बुआ, बुआ के लड़के का मामा का मामा। फिर इसने क्या कहा है, मेरे इसके मामा का मामा तथा मेरे मामा, ये इसके इसके यहाँ पर कोई मामा हो गए, वो उसका भाई है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर होगा, तो बताना क्या उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, उस लड़के का माँ है जी वह उसकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी के पिता है, जो ए है ना, ए बी के पिता है, सी डी के पुत्र है, सी सी जो है डी का पुत्र है, ये डी बना देते हैं, सी जो है डी का पुत्र है, चलो आगे, सी डी का पुत्र है। निम्न में से कौन से कथन द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पुत्र है। ऑप्शन ए क्या कहता है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी अगर हो गई तो सी ए का पुत्र तो हो ही नहीं सकता, फिर बी डी की बहन है, बी डी बहन है, ये निकाला जा सकता है, पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ये अगर ये भाई बहन है बच्चों, तो इसका बेटा बेटा फिर ये दादा तीन पीढ़ी आ जाएगी, तो इसका पुत्र बन जाएगा सी ए का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो जाहिर सी बात है वही लड़की हुई उसकी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। चलो दोबारा देखते हैं, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता ये लड़की थी, लड़की की माँ, एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, या इसकी कोई सास, ये उसकी कोई सास होगी, इसकी इकलौती पुत्री होगी, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। तो भाई उस स्त्री से नाता तो क्या है बच्चों, पिता हुआ उसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता में, ये तो कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है बच्चों, पिता। क्वेश्चन नंबर 11, बेमेल चुनिए, चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई बहन, ससुर दामाद। राइट आंसर होगा भाई बहन, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों भाई बहन जो है समान पीढ़ी के सदस्य है, जबकि अन्य सभी अलग अलग पीढ़ी के सदस्य है, उससे अगली पीढ़ी के सदस्य। देखो जैसे कि चाचा भतीजा, भतीजा छोटी पीढ़ी का, वो सब अगली पीढ़ी का, पिता पुत्री, ससुर दामाद। क्वेश्चन नंबर 12, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, क्या कहा, ये देखो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ये कोई विक्रम नाम का लड़का है, ये कोई पूजा थी, पूजा की ओर इसने इसकी ओर संकेत किया, संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता, ये इसका पापा है कोई पूजा का, उसके पिता, मेरी माँ, इसकी कोई माँ होगी, की बहन का पुत्र, माँ की बहन ये है, उसका पुत्र ये है, ठीक है जी, ये पूजा होगी, ये वाला डायग्राम बनेगा, ये एक में है, ये एक में, एक में। पूजा का विकास से, पूजा का विक्रम से क्या संबंध है। राइट आंसर भतीजी होगी भाई, ये भाई बहन हो जाएंगे इसकी लड़की, भतीजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, अनु बाली की बहन है, अनु जो है ये बाली की, अनु बाली की बहन है, बना दी बहन, कोमल बाली की माँ है, कोमल जो है बाली की माँ है, या कोमल है कोई ऊपर, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, दीनू है जो कोमल का पिता है, ये आपका कौन है, दीनू। ये दीनू होगा आपका ऊपर, दीनू कोमल का पिता है, इयान दीनू की माँ है, इयान जो है दीनू की माँ। एक पीढ़ी ऊपर जाएगी भाई, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ये आपका इयान है, दियान, ठीक है, इयान जो है दीनू की माँ है।
तो अन्नू दीनू से किस प्रकार संबंधित हुई? अन्नू ये तो भाई, ये बहन होगी, ये इसकी मम्मी है, उसकी मम्मी नानी बैठे जी। अब देख लो कह किससे रहा है। राइट आंसर होगा अन्नु दीनू से। दीनू की क्या लगी या लड़की, लड़की की लड़की, नातिन है क्या, पोत नातिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पोतिया नातिन। क्वेश्चन नंबर 14, एक शतरंज खिलाड़ी की को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला से कहा, उसकी माँ, ये कोई प्लेयर था, इसकी कोई माँ थी या इसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, इसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से, मतलब उसकी माँ ही हुई भाई, वो तो महिला की उसकी माँ ही हो डायरेक्ट, एकमात्र बेटी तो माँ होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक महिला की ओर संकेत करते एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्र वधु है, पुत्र वधु का सुनीता से क्या संबंध है? राइट आंसर से ये बच्चों इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है, लड़का क्या हुआ, मम्मा का लड़का हुआ जी वो। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मार्तक भाई। क्वेश्चन नंबर 17, रेना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, रेना होगा कोई हो, इसकी माँ कोई होगी, मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी मोहिनी यही होगी, तो मोहिनी का पति रेना का क्या लगा, रेना से किस प्रकार संबंधित, रेना का पापा लगा, क्या लगा का पापा, डायरेक्ट आंसर देते हुए चलेंगे बच्चों, इतना टाइम नहीं लगाने, पिता लगागा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, ब्यूटिशियन किस बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है? क्या वो बहन होगी जो हुई जोगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहन। क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यों की बहन है, बना देंगे जी, पी जो है क्यों की बहन है, आर जो है पी का पिता है, ये आर जो है पी का पिता है, एस आर की माँ है, एस जो है ये एस ऊपर होगी, ये आर की माँ है, एस क्यों से किस प्रकार संबंधित है, ये क्यों है, ये बहन थी, थर्ड पीढ़ी चल ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड पीढ़ी का मतलब क्या होगा, दादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यस की माँ, यस की दादी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, ये क्वेश्चन अच्छा है, भानु की पति दुर्गा है, भानु की पत्नी, चलो ये पति है, पति को हम चौकोर में रखेंगे, पत्नी को गोल में रखेंगे। दुर्गा के बेटे दो बहने, दुर्गा के बेटे दो बहने सानली और मालनी है, दुर्गा के बेटे और दो बहने सानली और मालनी है, दुर्गा का बेटा कोई दुर्गा का बेटा होगा जो, और इसकी दो बहने सालिनी मालनी, बेटे का नाम नहीं पता अभी, मालनी है। सालनी के पति मुरुगेंद्र का एक बेटा शिवम है, सालनिया थी जो, इसका कोई पति होगा, इसका एक बेटा होगा, क्या है उसका नाम, मुरु लिख देता हूँ, मुरुगेंद्र का एक बेटा, इसका पति का नाम मुरुगेंद्र का बेटा है, शिवम होगा ये, ठीक है जी। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, शिवम भानु प्रताप से, भाई शिवम, शिवम के पापा ये होगी, शिवम की मम्मी होगी, मम्मी का, मम्मी की पत्नी, मम्मी की माँ क्या होगी, नानी, नानी का पति क्या होगा, नन्ना, ठीक है जी। अब देखो कहा क्या है, क्या रहे है? शिवम भानु प्रताप से, भानु प्रताप का क्या लगा, लड़की का लड़का, दोता, नाती बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नाती। क्वेश्चन नंबर 21, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, कमला से बात करते, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, कमला का राजेश से क्या संबंध हुआ, माई तो ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं। मनमोहन प्रवीण का भाई है, मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, बहन की माँ
मनमोहन से किस प्रकार संबंधित? मनमोहन भाई है, भाई नो बताओ, या तीनों बहन भाई तो है, जब तीनों बहन भाई है तो फिर बचा क्या आपका, बचा क्या, नानी बैठ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, वह मेरे दादा, उसका कुछ दादा के एक मार बेटा, उसका पापा के बेटा, पापा का बेटा क्या हो, पापा का बेटा क्या हो, भाई हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान मतलब उसके पापा की बेटी, मतलब वही महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, उसकी बहन होगी, ऑप्शन नंबर सी। मीना के पिता टीना के जीजा है, मीना के पिता टीना के जीजा है, तो मीना का टीना से क्या संबंध है, मीना का टीना से क्या संबंध है, भांजी होगी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अपने आप पर ले जाओ, जैसे मान लिया मैं हूँ मीना के पिता, टीना की मैं किसका जीजा हूँ, उसका हूँ, ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 26। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, मेरी बहन का एकमात्र भाई मतलब वही का पोता है, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, सात्विक का तिलक से क्या संबंध, दादा होगा भाई, वही बात है जो कि तू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का जब सोल्व करोगे आप, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, पिता राइट आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।